मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल को गया करार रे ये कौन बजाए बांसुरिया मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे ये कौन बजाए बांसुरिया मधुर मधुर सपनों में देखी कौन सपेराया नागिन का मन बस करने कौन सपेराया न जाने कौन सपेराया मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे ये कौन बजाए बांसुरिया तन दन 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 म्यूजिक भी बहुत बढ़िया था थैंक यू नमस्कार आप देख रहे हैं अमृत रसवादन और मैं हूं श्वेता रंजन नृत्य वो संपूर्ण कला है जो मन आत्मा और शरीर तीनों को ही संचालित करती है और हर नृत्य से हटकर है कुचिपुड़ी जिसे विश्व स्तर पर एक नए आयाम तक पहुंचाया है पद्मश्री पद्म भूषण से सुशोभित राधा राजा रेड्डी ने इनके लिए नृत्य ही जीवन है नृत्य ही सर्वस्व है नी भरता काड़े काड़े वो सत्य भामा दशकों इस नृत्य पर पल पल में उछावर करने वाली इस जोड़ी का कला के प्रति समर्पण अतुलनीय है ओ चक्रमो चक्रमु धरించినటువంటి వాడు చక్రమును ధరించినటువంటి వాడు और इन सब में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं राजा रेड्डी की एक और हमसफर जो राधा रेड्डी की छोटी बहन भी हैं कौशल्या रेड्डी संपूर्ण परिवार बेटियां यामिनी और भावना रेड्डी भी पूरी तरह से इस कला को आगे बढ़ा रही हैं नई पीढ़ी को कुचिपुड़ी नृत्य की थाप सिखा रही हैं नृत्य की इस विधा से जुड़ी तमाम बातें लेकर हमारे साथ हैं कुचिपुड़ी की मशहूर जोड़ी राधा राजा रेड्डी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में तो शुरुआत करते हैं परिवार के तमाम विरोध के बावजूद समाज ने भी नकारा परिवार ने भी नकारा आपने नृत्य को ही चुना क्या है इसके पीछे की कहानी श्वेता शुरुआत ऐसा है कि जब पढ़ाई करते थे हम इवन पांचवी क्लास फोर्थ क्लास से पढ़ाई करते थे तो गाने जो भजन कोलाटम करते थे हमारे यहाँ और भागवतम का जो प्लेस होते थे हम जाते थे 9 बजे रात को और सुबह 4-5 बजे तक वहाँ पर भागवत देखते रहते भागवत में डांस होता है एक्टिंग होता है तो ये सब होता है एंड ये देख के जो है वो हमारा ध्यान मेरा ध्यान तो उसी में रहता था जब राधा के पिताजी जो है वो भागवतम को स्पॉन्सर करते तो मैं वहाँ पर पहुँच जाता था दोनों मिल के देखते थे तो आपने स्पॉन्सर को ही पकड़ लिया नहीं स्पॉन्सर ये स्पॉन्सर ये तो उसके बाद जो ये ट्रेडिशनल रूप से जो 5 महीने खेती बाड़ी सब आने के बाद 5 महीने विलेज टू विलेज वो घूमते थे उनका जो है जीवन वही था उनका जो है 5 महीने मतलब कब से जून जुलाई से काम शुरू होता दिसंबर में जो वो जो सब खेती बाड़ी सब खत्म होता है सब आते पल आते हैं उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तो 5 महीने उनका जो है प्रोफेशन वही था गांव गांव में जाना तो जिस तरह सुबह से शाम तक आप गायब रहते थे घर से बाहर रहते थे तो घर वाले ढूंढते थे
मतलब घर वालों को कुछ कुछ झूठ बोल के मैं जाता था, बट एक बार जो है एक गांव में मैं जब प्रोफेशनल ट्रूप के साथ जाके उसमें पार्टिसिपेट किया मैंने, अभिमन्यु का रोल ऐसा कुछ ऐसा करके, तो मेरे पिताजी आए थे उनके दोस्त के पास, वो खाना खाए, खाने के बाद अरे यहाँ पर भागो तो मरा चलो चलेंगे, तो उनके दोस्त के साथ मेरे पिताजी भी आके बैठ गए देखे, फिर बीच में मैं जब स्टेज पे आया तो वो लोग वो मेरे पिताजी के दोस्त देख ऐसा देख रहे थे, देखे ये क्या अपने लड़के को जो है वो भिखारी बना दे रहा, मतलब लो क्लास पीपल का प्रोफेशन था, ये क्या तुम्हारा लड़का ये क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं ये कैसा आ गया यहाँ पर। तो मेरे पिताजी को भी दिमाग बहुत ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब हम घर पहुँचे तो हंटर लेके लगातार मुझे जो है लेसन दिया, अच्छा रोने लगा। उसके बाद मुझे इसको यहाँ नहीं रखना है विलेज में, तालुका में भेजेंगे, वहाँ पर ये प्लेस नहीं हो सकते। क्या चाहते थे वो, आप क्या बने? तो उसके बाद मुझे तालुका में भेज दिए सब स्टडी के लिए। कहा पाँचवीं क्लास इस तरह जो है मैं तालुका में बन गया। तालुका में जो है ज़्यादा ये प्लेस नहीं होते, विलेजेस में ही होते, गाँव गाँव में। तो वहाँ जाने के बाद फिर बाद में वहाँ पर एक सिनेमा थिएटर था, फिर अब नागिन में बिजी हो गए। यू नो वेरी वेल, यस। तो 17 डेज मैं वो फिल्म देखा, मतलब स्कूल जाता था जाके, फिर इवनिंग में जो मेरा काम वही था वो नागिन देखना, एक ही फिल्म थिएटर था वो, देख के जो है एकदम पागल हो डांस के ऊपर, ये भागवतम से कोलाटम से, होने के बाद ये देखा तो फिल्म में भी डांस है, मैं ही बोला मैं डांस ही करूँगा बस सीखना। तो वो वैजयंतीमाला की वो कौन सी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? वैजयंतीमाला एक्चुअली क्लासिकल डांसर है, मुझे पता नहीं था कि वो क्लासिकल डांस क्या होता है, बट वो द वे शी डांस इन किसे मन डोले मेरा तन डोले, उसमें भी डांस करके जो मोमेंट्स ब्यूटिफुल मूवमेंट्स, शी वॉज ए क्लासिकल डांसर वो। एंड लास्ट में जो है एक ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के गाना गाते हैं आप। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए एक इस मूवी नागिन से, जिसने आपको इतना प्रेरित किया, आपने उस मूवी को 17 दिन तक लगातार देखा, तो उसका ये गीत आप गाकर सुनाएं। मतलब भाई नकल करता था वैजयंतीमाला का, लड़का होते हुए वो उसमें अपने हेयर को 3 रिंग्स बनाए थे ऐसा, यस बना, तो ऐसा बना के मैं स्कूल में जाता था तो लोग हंसी उड़ाते थे, ये लड़का पागल हो गया क्या, लड़की के जैसा अपना हेयर स्टाइल बना रहा, और बोलते ही अब स्कूल में भी एक फंक्शन हुआ तो मैं ठीक है मैं करूँगा करके, अब वो गाना कौन सा, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के, यार मिला दिलदार मिला मुझे एक नया संसार मिला, घूमती बहार आए दिल को करार मिला, जाने न दूंगी मुख मोड़ के मैं आई रे तेरे। बहुत सुंदर गाते हैं आप, लेकिन ये गाना सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न ये उठा, ये गाना आपको बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे लगता है फॉलो आपने किया, सारी दुनिया की दीवारें तोड़ के मेरे साथ पागल है। हालांकि मैं जो ये आई हूँ, मेरे मम्मी डैडी तो बोले ये तो भीख मांगेगा तुम जाके क्या करोगे, फिर मेरे पूरी तरह डांस का बहुत शौक था, फिर मैंने सोचा तो फिर यहाँ इसको छोड़ना है जाना है, फिर एक दिन रात पूरा सोची मैं चलो डांस पसंद है इसी के साथ भागे। तो किस उम्र में शादी हुई थी, बहुत छोटी रही होंगी आप? पता नहीं, मेरे ख्याल से 15-16 साल के बाद जब लड़की बड़ी होता तो फिर चली जाती है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, वो लम्हा जब आप घर छोड़कर निकली राजा जी के साथ, वो रात मन में तमाम शंका डर उभर रहा था?
भागन इनके घर गई मैं, भागी नहीं, भागी तो हमारा मम्मी डैडी का नाक कट जाएगा कि तो इतना 10 विलेज का हेड है मेरे पिताजी, तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं, तो शादी हो करके इनके पास गई, नहीं तो अदरवाइज हमारा घर से मम एक बड़ा गेट भी नहीं पार कर सकती। नहीं, जब आप इनके साथ वो रात लिख ली, नहीं उस उनको हैदराबाद ले जाने के लिए बुलाया मैंने, ये आई आए थे, फिर 1 रुपये दे के एक आदमी को भेजी थी मैंने, उसको राजा रेड्डी खाने के लिए बोलो मुझे उनका साथ जाना। अच्छा, फिर आया इनके साथ मैं गई, जाने के बाद फिर एक ही साइड मेरे मम्मी डैडी ने बोले तुमको कुछ नहीं देंगे, फिर मैंने बोला मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं पागल हूँ, मेरे को पता नहीं कुछ नहीं दे जो इसमें बोल दे। एक साड़ी के ऊपर गया मैंने, जो ऊपर गहने था वो उसका साथ इनके साथ गया, फिर हम दोनों मिल के हैदराबाद चले गए। तो राधा जी, आपके मन में कभी ऐसे ख्याल आए कि अब क्या होगा, जीवन चले? मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी बाद में आई हूँ, फिर हैदराबाद गया, एक छोटा सा रूम दिखाए, मैं क्यों आई हूँ इसके घर, किसके लिए आई, मैं कैसा रहूँ, ये कुछ भी तो नहीं है अभी। फिर मैं मेरे को मेरा एक नानी है, इनके बारे में बहुत बड़ा बड़ा बात किया, तो मैंने इसलिए इनके पास पीछे पागलों के भागी, अदरवाइज मैं नहीं जाती थी। फिर मैं एक रूम देखने से मैं बहुत डर गई, डर के मेरे को फीवर आ गया, 104-105 फीवर आ गया। फिर क्या क्या तनखा बोला था, आके 110 रुपीस मेरे हाथ में रखा था, उन्होंने बोला हम रोज़ हमारे नौकर को 2000-3000 हम रोज़ कूली बांटते हैं, ये 100 रुपये क्या होता है, कुछ भी नहीं है, क्या हो गया करके मैं बहुत फील हो गई, मेरे को पहनने का साड़ियाँ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं तो उस वक्त 1 रुपया 100 रुपये के इक्वल रहता था, उस उसका वैल्यू। राजा जी ने तो अपनी टी शर्ट भी बेची और पैसे इकट्ठा किए ट्रेन में, ट्रेन में यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। तो मैं ट्रेन उतर के मैं अपने घर चली जाती थी। लेकिन आज ये लगता होगा आपको कि नहीं, जो हुआ सही हुआ। फिर बाद में एक कथक डांसर के साथ इन्हें डिबेट कर रहा था, फिर जो भी मनी आ रहा था तो वो डिवाइड हो रहा था, फिर मेरे को लग बिजनेस फैमिली से हूँ मैं तो बिजनेस माइंड ही रहेगा, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, इनको क्यों ये पैसा, उनको वो लड़के को क्यों जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं डांस सीखना है, पसंद तो है, बाकी है सब कुछ किया, मगर मैंने डिसाइड कर लिया मैं मुझे भी डांसर बनना है बस, कर तो ये मनी किधर भी नहीं जाएगा, हमारे पास ही रहेगा। फिर मैंने इनको बोला मेरे को डांस सीखा, फिर तुम कर सकते हो? हाँ मैं कर सकती हूँ, आप सीखा। आपने परीक्षा ली इनकी डांस? नहीं, जब मैं प्रैक्टिस करता था उस वक्त जो है वो दरवाजे के पीछे से देखती थी, देख के, हाँ देख के, फिर बाद में जब मैं स्कूल जाके फिर आता था, कॉलेज जाके आता था, तो मैं भी आप जो करते हैं वो कर सकती हूँ करके दिखाई मुझे, हाँ चोरी चोरी देख के दिखाई। तो इसको टैलेंट है, वो हम लोग भागवत देखते थे, मैं तो भागता था, बट ये लड़की होने के कारण ये नहीं भाग सकती थी, तो अपने घर में जो है दोस्तों को बुला के उसका एनैक्टमेंट करती भागवत। तो ये आई है हैदराबाद में, आ गई, ठीक है, हमने ट्रेन में जो है मुझे क्यों बुलाई, 1 रुपया जो कुमार है ना जो वो गड़े बनाते हैं उसको 1 रुपया दे के मेरे गाँव भेजिए, वो राजा रेड्डी को यहाँ पर आने के लिए बोलो गाँव में, कुछ ज़रूरी है इस तरह। तो मैं गया, क्या है, तो इस तरह हमारे मेरा ग्रैंडफादर बोल रहे आप जो है वो भिखारियों के जैसा जो भागा तुम तो वो ये डांस कर रहे हैं, तो वो अभी अच्छा मुझे नहीं भेजना चाहते वो है, तो हम इसको पकड़ के फिर हैदराबाद चले गए। और वहाँ पर बेटा विलेजेस में बचपन में शादी होता, बट लड़की जब बड़ी होती मैच्योर होती लड़की को हस्बैंड के पास भेजते हैं, घर पर नहीं रखते हैं, वो माहौल था, एंड देट वॉज द राइट एक्चुअली। तो आ गई, दोनों हैदराबाद में रहते थे, लकीली इसको भी इंटरेस्ट था डांस में, तो इसलिए हम जुड़ गए। और अच्छा, पति ही गुरु बन जाएं तो फिर ईगो की कितनी जगह रह जाती है, क्या ईगो क्लैश होता है? पति पति के जगह में, काम काम के जगह में, तो जब सीखते तो मैं गुरु का आदर करती थी, जब क्लास बाहर आए फिर पत्नी का रूप फिर पत्नी का रूप लेती थी। मैं मतलब किस तरह हुआ कि मैं हैदराबाद जाने के बाद हमारा दोस्त लोग जो है वो मैं एक गुरु के पास ले गए, ट्रेडिशनल गुरु, फेमस गुरु, उसके पास ले गए। तो उस ज़माने में ये था
कि लड़का लड़की के जैसा आपके जैसा जो शार्प नोज होना चाहिए, आंख अच्छा होना चाहिए, पतली कमर होना चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए, जैसा कि आपके पति है, तो मुझे देखकर देखो, तुम्हारा नाक देखो, तुम्हारा रंग देखो, तुम्हारा कमर देखो, यू आर नॉट एट ऑल फिट फॉर डांस, तुम डांस सीखो ही मत बेटा, गुरु ने बोला, अपने गांव जाओ, अपना एग्रीकल्चर काम करो और खुश रहो। इस तरह बोलते हैं, भाई दो तीन दिन सोया नहीं और खाना नहीं खाया, रोते रहे, तो हमारा दोस्त लोग आए, वो ज़बरदस्ती करके कॉलेज ले गए। कॉलेज में कुचिपुड़ी डांस नहीं था, भागवत में जब से तेलुगु लैंग्वेज का तेलुगु डांस होता, कथक डांस था, ये नॉर्थ इंडिया का, और भरतनाट्यम था। वो बोले कि भरतनाट्यम लड़कियों के लिए, कथक अच्छा है, तुम सीख लो, ज्वाइन करो, ज़बरदस्ती ज्वाइन करे प्रिंसिपल बोल के, ठीक है मैं ज्वाइनूँगा, दैट हेल्प मी, कथक रिदमिकली हेल्प मी। उसके बाद जिस गुरु से हमने सीखा है, वो गुरु एलूर से आया हैदराबाद, हैदराबाद में प्रोग्राम करे, तो मैं अकेला नहीं गया, इसको साथ में ले गया साथ, क्योंकि फिर वो रेफ्रेस करेगा तुम्हारा जो पर्सनालिटी नेम नेम, तो साथ में ले जाके हम दोनों डांस सीखने जाते, गुरुजी करके प्रणाम करके उनको हमने रिक्वेस्ट किया, तो गुरुजी परेशान हो गए, हाँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डांस सीखना चाहते, लड़कियाँ तो आते ही वहाँ, तो लड़के ही हमारे पास लड़कियों का रोल करते हैं, तो हरिशोर सीरियसली ये हम लोग दोनों डिसाइड कर डांस करते हैं, तो ठीक है मैं एक दो तीन दिन में आपको बुलाऊंगा एलूर वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो वो गए, एक मकान हमारे लिए किराए का फ्लैट ढूंढ के रख के, तो फिर हमको दोनों को बुलाया, उस तरह हम दोनों वहाँ पर गए कुचिपुड़ी सीखे। वो कितना भी सिखा मेरे दिमाग में नहीं चढ़ता था, फिर ये गर्मी आने के बाद ये इसके साथ प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। और एक बात है, फिर जो हम लोग माहौल में बड़ी हो गया घूमे, तो हम लोग आदमियों के बीच में नहीं जाते थे, फिर वो आदमी सिखा रहा है, फिर मेरे को कुछ चलते नहीं थे दिमाग में, बिल्कुल नहीं चलते। फिर मैं घर जाने के बाद, फिर रूम में जाने के बाद, फिर मैं बोलती थी चलो मैं जल्दी जल्दी खाना बना के रखती हूँ, और मेरे को वहाँ जाने से पहले ये पूरा बीट का प्रैक्टिस करा दो। क्यों तो फिर जाए तो डांट मिलेगा वहाँ पर। फिर इनको खाना दे देती थी, फिर मैं अपने प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आपके रंग को लेकर, नए नक्श को लेकर तमाम टिप्पणियाँ हुई, लोगों ने कहा कि तुम नृत्य के लिए नहीं बने हो, तो क्या इस तरह की दिक्कतें और भी आगे आईं या फिर सराहना मिलने लगी? नहीं सीत या सिर्फ जब हम दोनों गए हमारे गुरुजी, वो देखिए किस्मत है, जिनसे हमने अभी सीखा वो पहले गुरु रिफ्यूज किए थे, वो ही वॉज नॉट अ गुड टीचर एक्चुअली, थोड़ा सिखा क्या सब, बट दिस गुरु वॉज सो स्ट्रिक्ट, जिस तरह करना है उसी तरह वो स्टेप्स करना है, भावम करना है, एक्सप्रेशन आपका बॉडी मूवमेंट करना है, ही इज़ सो परफेक्ट, और जो भी एक पूछो एक श्लोक हम बताते थे नाट्यवेद से वैसा, वो इतना परफेक्ट मास्टर थे। एंड हमने ये किस्मत भगवान की जो है लीला है, हमको वहाँ पर पहुँचा है, हम दोनों वहाँ पर दो तीन साल इतना स्ट्रगल किए, तकलीफ करके जो है बहुत मेहनत किया, उसके बाद में ये सरकार का जो है आंध्र प्रदेश सरकार का जो है स्कॉलरशिप मिला हमको यहाँ पर दिल्ली आने के लिए, तो कोरियोग्राफी सीखने के लिए। देखो किस्मत भगवान किस तरह लाता है, तो सीखे, किस्मत अच्छा हुआ, हम आए यहाँ पर कोरियोग्राफी किए, कोरियोग्राफी करने के बाद हैदराबाद जाने वाले थे, यहाँ पर एक प्रोग्राम किया, तो प्रधानमंत्री जो थी वो देखे, डॉक्टर करण सिंह जो टूरिज्म मिनिस्टर थे वो देखे, डांस क्या ब्यूटीफुल डांस यह है, इस तरह करके डॉक्टर करण सिंह और एक प्रोग्राम अरेंज किए, तो इंदिरा गांधी जी किए, फिर वो 14 नवंबर को वहाँ पर नेहरू सेंटर में उनका जन्मदिन होता ना, वहाँ पर कराइए, हाँ करा के फिर आप लोग क्या तो मैम वी आर गोइंग बैक टू हैदराबाद, हम लोग हैदराबाद जाते हैं क्योंकि कोई नौकरी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, नहीं आप लोग हैदराबाद नहीं जा रहे, ये कला इतनी ब्यूटीफुल कला है, आपको भगवान ने दिया, इसको सारे जगत में आप प्रचार करना, यहीं पर रहो। उस वक्त अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को इमीडिएटली टेलीफोन करके राजा रेड्डी को मकान दो, उनको बुला के आंध्र प्रदेश का। ये आप दोनों की मेहनत है, आपके प्रयास से ही कुचिपुड़ी आज इस मंच तक पहुंच पाया है, इतनी ऊंचाइयों को छू पाया है। यू विल बी सरप्राइज, अभी जब आंध्र प्रदेश जो अलग हो गया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अमरावती वहाँ का कैपिटल बना,
तो वहाँ पर मेरी बेटी गई थी विजयवाड़ा एंड वहाँ पर कुचपुड़ी गांव करके वो चीफ मिनिस्टर मिले मिलके बोले कि आपके माँ बाप को बोलो यहाँ पर आके इंस्टीट्यूशन खोले उनकी वजह से कुचपुड़ी डांस वर्ल्ड प्रचार हुआ सो वो यहाँ पर आना चाहिए तो मैं हम लोग बोले हाँ हाँ बोले हैं बट एक पैर यहाँ पर एक पैर वहाँ पर वो नहीं हो सकता कंसंट्रेशन सो हम अभी तक नहीं लिया वो तो बाकी के डांस फॉर्म से कुचिपुड़ी अलग कैसे है कैसे इसको एक अलग नृत्य कहेंगे आप इसकी शैली अलग कैसे है आई विल टेल यू अपना डांस भारत में जो डांस है डांस का जो है कल्चरल सेंटर है टेम्पल्स पहले टेम्पल से जो है टेम्पल में देवदासी देवगणिकास वो जो डांस करते थे एक्सपर्ट ब्राह्मण गुरु से उनको थ्योरी सिखाते थे और ये डांस हर एक स्टेप का हर एक मुद्रा का हर एक अंग संचालन का नाम होता है और वो डांसर सीखने के बाद वो देवदासी को स्कॉलर्स आते थे स्कॉलर्स आके 10-15 लोग आके बैठ के उसकी टेस्ट लेते थे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल लेके इफ़ शी इज़ परफेक्ट देन शी इज़ अपॉइंटेड एज द देवदासी इन द टेम्पल तो ये कुचिपुड़ी गुरु जो सिद्धेंद्र योगी है वो अपना सब कुछ त्याग करके इस डांस को मैं किस तरह जो है सारे पब्लिक तक पहुंचाऊं तो उन्होंने टेम्पल से डांस लिया कन्वेंशनल डांस लिया और थिएटर जो करते थे बाहर गांव-गांव में जिस तरह हम देखे भागवतम सो गांव-गांव जाकर जो है वो लोग थिएटर करते सो वो टेम्पल का डांस लिया कन्वेंशनल डांस मुद्रा पदविन्यास सब लेके थिएटर में जो है वो रोल्स किस तरह करते थे तो वो कंबाइंड करके ये कुचिपुड़ी को उन्होंने क्रिएट किया तो ये डांस और ड्रामा थिएटर का मिश्रण है मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ भाव भंगिमा अगर प्रस्तुत कर सकें जिस तरह जैसे कि भामा कला आपने देखी वाचिकम जो कुचिपुड़ी में है और दूसरे डांस स्टाइल में उतना नहीं है और तांडवला से एलिमेंट्स भी और कोई दूसरे में इतना जितना कुचिपुड़ी में है और इसमें नाट्यधर्मी मतलब नाट्य वेद का जो है मुद्राएँ पदविन्यास सब नाट्यधर्मी और लोकधर्मी लोकधर्मी मतलब हम अपने निज जीवित में सही डेली लाइफ में किस तरह करते हैं उसी तरह उसको मिक्स किया दैट इज़ वे वो अट्रैक्शन पब्लिक को बहुत जल्दी होता है तो जैसे कि आप एग्जांपल दूंगा आपको भामा कलाप में मैंने देखा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी गांव में कुचिपुड़ी डांस में भामा सत्य भामा हीरोइन है अदरवाइज आप देखिए दूसरे स्टाइल्स में राधा हीरोइन बनती है ये ओडिसी डांस में देखा कथक में देखा वो सारी सारे जो स्टाइल्स में राधा हीरोइन और कृष्णा हीरो और इसमें सत्य भामा हीरोइन है अच्छा। तो सत्य भामा स्वाधीन पत्रिका है वो देखती है उसका हस्बैंड अगर ऐसा करके दूसरे लड़की को देखा पकड़ लेती है पकड़ लेके क्यों अपने आँख को चंचल कर रहे हो इस तरह स्वाधीन पत्रिका है सिर्फ मेरे तरफ देखना और मेरे तरफ देख के हंसना और दूसरी लड़कियों को हंस नहीं सकते जैसे कि कुचिपुड़ी में जो है डांस कन्वेंशनल डांस है उसके साथ में जो है वाचिकम वाचिकम जो है चार किस्म के अभिनय है उसमें वाचिकम कुचिपुड़ी में ऐसा है जैसे कि सत्यभामा आती है अपने सहेली माधवी को बुलाती है मतलब माधवी मतलब सूत्रधार वो जब सत्यभामा के साथ रहता है वो ही बिकम्स माधवी अब वो कृष्ण के साथ जो रहता है माधवा वो होता है हाँ इस तरह तो सत्यभामा बुलाती है अपने जो है प्रवेश दर करने के बाद मैं सत्यभामा हूँ मैं 16,000 जो है गोपियों में सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ और श्री कृष्ण की बहुत प्रीतम हूँ मैं करके बोल के वो माधवी को बुलाती है बुला के जो है पूछती है कि कृष्ण को लेके आओ तो माधवी बोलती है तेलुगु में ओ सत्यभामा नी स्वामी वारु ये अंदमु वाड़ो ये चंदमु वाड़ो नकशिक पर्यंतम शिख नक पर्यंतम वर्णिंसुकु रावे रावे ओ सत्यभामा ओ यम्मा माधवी ये मतम्मा
ना स्वामी నీ స్వామి ఏంటి నీ నా స్వామి శంఖం ధరించినటువంటి వాడే ఓయమ్మ శంఖమును ధరించినటువంటి వాడ హీ సెడ్ మై స్వామి ఇస్ ద వన్ హూ వేర్స్ ద శంఖ లెఫ్ట్ సైడ్ శంఖమును ధరించినటువంటి వాడు శంఖమును ధరించినటువంటి వాడు ఘర్ ఘర్ జాకే జో హై శంఖ బజాతే హువే వో మాంగ్ లేతే హై వో జంగం క్యాస్ట్ జంగమ వారి ఇంటి కుర్రవాడు నీ భర్త కాడే కాడే ఓ సత్యభామా ఓయమ్మ మాధవి ఏమిటమ్మా నా స్వామి చక్రం ధరించినటువంటి వాడే ఓయమ్మ ఓ చక్రము చక్రము ధరించినటువంటి వాడు చక్రమును ధరించినటువంటి వాడు జో పాటర్ బనాతా హై కుమార్ ఓ కుమ్మరి వాడి ఇంటి దట్ చక్ర కుమ్మరి వాడి ఇంటి కుర్రవాడు నీ భర్త కాడే కాడే ఓ సత్యభామా మరేమిటమ్మా నా స్వామి నెమిలిపించి ధరించినటువంటి వాడే ఓయమ్మ ఓ బోల్తే పీకాక్ ఫెదర్స్ వేర్ కదా క్రౌన్ మ్యా నెమిలి పింఛమును ధరించినటువంటి వాడా నెమిలి పింఛమును ధరించినటువంటి వాడు నెమిలి పింఛమును ధరించినటువంటి వాడు అడవిలో ద్రిమ్మరించు జంగల్ మీద గుంతా హై చెంచు ట్రైబల్ ద్రిమ్మరించు చెంచువాడు నీ భర్త కాడే కాడే ఓ సత్యభామా అది హిను కాదే ఓయమ్మ మరేమిటే ఓ చెక్క నా స్వామి మకర కుండలము ధరించినటువంటి వాడే ఓయమ్మ ఓ కృష్ణుజు మకర కుండలు బలుతా సో మకర కుండలములు ధరించినటువంటి వాడు మకర కుండలములు ధరించినటువంటి వాడు ఓం సహనాభవతు సహనం భునక్తు సహవీర్యం జో పూజ కర్తే హే బ్రాహ్మణ్ వాడు బ్రాహ్మణ వారి ఇంటి కుర్రవాడు నీ భర్త ఎలాగవుతాడమ్మా కాడే కాడే ఓ సత్యభామ హోయమ్మా మాధవి నా స్వామి భావ మర్ది సందువాడే ఓయమ్మ ఓ మొత్తం బ్రదర్ ఇన్ లా బిగ్ ఎల్డర్ బ్రదర్ ఇన్ లా అండ్ యంగర్ బ్రదర్ లా ఈ ద ఇన్ బిట్వీన్ బావా మరిది సందువాడంటే దెన్ మాది వ్యాస్ సత్యభామ మీ స్వామివారి పేరు నామ్ ఊరు విలేజ్ అదేమి లేదుటే మీ స్వామివారి పేరేమిటో చెప్పగలవా పేరా అవునమ్మా ఇంతోటి ఆడవారిలో ఇంతోటి ఆడవారిలో ఏమైంది ఇంతోటి మగవారిలో ఇంతోటి మగవారిలో ఏమైందమ్మా సత్యభామ తన మొగని పేరు చెప్పిందంటబ్బా సిగ్గు కాదటే ఓయమ్మ సిగ్గు సిగ్గాయనో యమ్మ గానా శురు హోతా వాచి బహుత్ అచ్చా థా ఔర్ బిల్కుల్ సమజ్ మే భీ ఆ రహా హై కి భాషా అలగ్ హై తో కేవల్ నృత్య కా కి శైలీ ఐసీ హై కి హర్ కోయి సమజ్ సక్తా హై పహలే జమానే మే జో హై హస్బెండ్స్ కే నామ్ నహీ లేతే థే या उनके छोटे भाई के जो ओ उनके बड़े भाई आओ ना तो बच्चे होते उनके बच्चे अगर किशोर बच्चा का नाम है ओ किशोर के पिताजी एक मिनट इधर आइए करके बोलते हैं पहले नाम नहीं लेते थे इस तरह वाचिकम जो है इंक्लूड करके ब्यूटीफुल एक स्टाइल बना दिया उन्होंने तो जैसे समय के साथ हर डांस फॉर्म में हमने बदलाव देखा है साइंस टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह उसमें भी दिखाई है तो आप इसे एक तरह का मिलावट मानते हैं या फिर एक मॉडिफिकेशन है ऐसा है पहले करते वक्त तो इतना ग्रेस आना बहुत मुश्किल है अच्छा करते करते तो तीन चार समुद्र पास करने के बाद ऐसा
हैप्पीनेस फील होता है, जैसा हमारा हाबिने में हमारे मूवमेंट्स में करते 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 इतना पॉलिश हो गया है तो पता नहीं करते पहले का रिकॉर्डिंग अभी का रिकॉर्डिंग देखते ये अमीर लोग है क्या ऐसा सोचते हैं। उसके अलावा राधा आजकल जो है पहले ज़माने में जो डांसर गाते थे बात करते थे और डांस करते थे और पीछे जो है बजाने वाले फ्लूट बजाने वाले वायलिन बजाने वाले मृदंगम बजाने वाले पीछे रहते थे। उस वक्त का ज़माना ऐसा था एक कर्टन और एक टेबल्स डाल के जो है एक पेट्रोमाल दोनों सर्व रहते थे। अब आजकल आपको हाँ कर रहा है तो फिर हमारे के स्टेज मिल गया हाँ भाई वो बात कर रही हूँ तो पुराना के लेके नहीं ठीक है वो लाइक माइक्रोफोन्स आए तो म्यूजिशियंस वहाँ बेटर हो गया एंड लाइट इफेक्ट्स भी बहुत ब्यूटीफुल बन गया तो उनको हम सब यूज़ करते हैं। नहीं हमारा ज़माने में इतना लाइट टेक्नोलॉजी नहीं था अभी इतना हो गया है तो फिर बता ही नहीं सकते वो स्पॉट लाइट्स आ रहा है इधर से लाइट्स आ रहा है। हमारे ज़माने तो एक लाइट जला देते तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म होता था। अब जैसा कि हम दिल्ली आए दिल्ली आके जो है ये वाचिकम जो कर रहे हैं तेलुगु लैंग्वेज अब लोग अगर उनको समझ नहीं सकते तो राधा बोले मैं माँ स्वामी शंकम ने धरिंचन वाड़े करके बोलते एक स्क्रीन पे बैक में वो जो है वो डालते हैं विष्णु का जो है डालते शंख और चक्र के साथ डालते हैं वो डालते ही वो राधा बोलते ही उधर वो आ जाता है विष्णु का सो लोग समझ जाते हैं सो टेक्नोलॉजी बढ़ गया उसका हम हेल्प जरूर करते हैं बट हमारा ग्रामर जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए। तो ये तो हुई बात पर्दे के सामने की पर्दे के पीछे किसकी ज़्यादा चलती है देखिए चलते मतलब रेडी हो गए तो अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है वहाँ पर लाइक पार्टनर्स तो मुझे लगता है इनसे भी मैं अच्छा डांस कर पता नहीं उनको क्या लगता ये कंपटीशन होता है सब कुछ अदरवाइज प्रोग्राम सक्सेस होना मुश्किल है फिर हस्बैंड को जाके मैं सोच के हस्बैंड के जैसे मैं ट्रीट करूँ तो आप दोनों में भी कभी कंपटीशन महसूस होता है कभी कभी होता बट ये इसका एक टाइग्रेस के जैसा स्टेज पे जाती थी तो एक एक जो है वो आर्टिस्ट में एक रहता मैं नर्वस बहुत हो जाता था मैं नर्वस अभी भी नहीं है अब नहीं है अभी एक्सपीरियंस है पर पहले शी बिकेम इवन वी व्हेन वी परफॉर्म पर इंद्राणी रहमान जो मिस इंडिया थी हमारा डांस देखने के बाद शी इन्वाइटेड अस एज अ गेस्ट डांसर्स फॉर 2 years एंड शी बींग ए मिस इंडिया शी यूज टू गेट क्लास ऑडियंस कंप्लीट पैक्ड ऑडियंस वेरी वेरी बिग गो तो वो करती थी अब ये एक यहाँ पर सप्रोज में यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था इसने एक ही आइटम किया 7 minutes का आइटम और पेपर वाले एकदम हेडलाइन के द टाइनी डांसर हैज स्टोलन द शो। कभी आपको ये लगा कि अरे राधा तो मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रही है? हाँ वो लगा बट मेरी धर्म पत्नी है ना तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए। बट ये स्टेज के पीछे पर्दे के पीछे मुझे बहुत नर्वस करती थी उस वक्त हाँ हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है ये सब टेंशन क्रिएट करके वो बहुत नर्वस करती थी और स्टेज पर जाके टैगरेस बनती थी उसका जो है अप्रिसिएशन ज़्यादा होता था। और जाते जाते एक सवाल ये है कि कुचिपुड़ी को आपने जो स्थान दिलाया है विश्व पटल पर उसके बाद कुछ आकांक्षाएँ ऐसी हैं कुछ सपने ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे लगते हैं? वो तो हमेशा रहता है एक परफेक्शन लाना है हमारा प्रेजेंटेशन दूसरे लोगों से अलग होना चाहिए तो परफेक्शन वही अभी हमने जो है वाइस प्रेसिडेंट के घर में करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट जी 3 बार बोले हैं कि क्या प्रेजेंटेशन दिया राजा आपकी बेटियां बहुत बढ़िया करें 3 बार बोले वो और वहाँ पर आंध्रा के एसोसिएशन के जो आदमी था वो मतलब कुछ पुलिस फ्रॉम आंध्र प्रदेश सो वो बोले कि मैंने इतने प्रोग्राम देखा बट द वे परफेक्शन आपके जो है ग्रुप में है वो मैंने कभी नहीं देखा तो राजा जी आपका नाम ऐसे ही नहीं हुआ आपकी मेहनत से यस ये हिम्मत बहुत कम में होती है कि जो सपने देख रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ सके लड़ सके यस तो बेटियां भी आपका आपकी बेटियां भी आपकी बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने अभी डांस के बारे में आपने बोला तो मुझे वो श्लोक क्या
अभी बात कर रहे थे, यस्मात् पंचेंद्रिय प्रीति ही भवे च दुख विस्मृति ही सदा सौख्याकारम तत्तु नृत्यम तत्तु नाट्यम। मतलब ये नाट्य जो है वो अपने पंचेंद्रियों को खुशी करता है और दुख को निकाल देता है, तो हमेशा जो है सौख्यम देता है नाट्य। वो आपके बात करने के बाद अभी मुझे याद है वो तो वो महात्मा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात कर कर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे नई बातों के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और हमारे शो अमृत रसवादन को लाइक करें, नेशनल खबर को लाइक करें, यूं ही देखते रहें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।